दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आप सभी कैसे, आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कूल में एक कंप्यूटर स्ट्रक्चर की भर्ती का आदेश निकल चुका है और उसके आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो दोस्तों उसके आवेदन कैसे करना, ये सभी आपके बहुत ही मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर भी और हमारे कमेंट वीडियो कमेंट में भी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको स्कोर कार्ड बनाना नहीं आ रहा है तो हमने वीडियो यहां पर प्रोवाइड कराया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि स्कोर कार्ड कैसे बनाना है। और कंप्यूटर स्ट्रक्चर की भर्ती का जो नोटिफिकेशन वो अगर आपको देखना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। रही बात वीडियो में भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसका वीडियो भी हमने यहां पर प्रोवाइड कराया हुआ है, तो यहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको वीडियो नहीं देखना है, वॉइस सुनना है, क्योंकि वॉइस ही में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके आवेदन कैसे हैं, क्योंकि मैं इसे स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता हूं। ठीक है, मेन बात है आप कमेंट करेंगे कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई या ऑफलाइन अप्लाई करके तो बताया ही नहीं, तो मेन बात बता दूं कि आपको वॉइस सुनना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन बता देना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर जो मेरा स्कोर कार्ड है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ग्रेजुएशन मैंने बीएससी से किया था, तो यहां पर SS2 मेंस लिखा रहा है। ठीक है, यहां पर अगर आपने DCA किया होगा तो यहां पर आपको लिखा आएगा SS2 IT, मेंस की जगह IT लिखा होना चाहिए। मान लीजिए आपने अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करा है, ठीक है, आपने स्कोर कार्ड बनवा लिया है, अब आपने यहां पर मेंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेंस पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर आप जैसे ही अपना स्कोर कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करेंगे, अपने क्वालिफिकेशन वगैरह सब डालेंगे और यहां पर आप जैसे संकुल में वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यहां पर आप जैसे ही वेरिफिकेशन होगा आप एक दिन के बाद अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं मतलब आपका आवेदन हो चुका है अतिथि के लिए। ठीक है, अतिथि के लिए नहीं, मान लीजिए यहां पर आप मेंस पढ़ा सकते हैं, यहां पर आप हिंदी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ही संकुल में लगभग 15-20 स्कूल होती है, कम भी होती है ज्यादा भी होती है, तो अगर उनमें किसी सब्जेक्ट की मान लीजिए मेंस की जरूरत है तो वो आपको फोन कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई आवेदन यहां पर नहीं होता, वो आपको फोन करके बुलाएंगे। ठीक, सेम प्रोसेस आपको यहां पर कंप्यूटर स्ट्रक्चर की है, जो वो भी अतिथि के रूप में भी है, भाई अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त रहेंगे, तो उसमें भी आपको बस क्या करना है कि स्कोर कार्ड अपना जनरेट करवा लेना है। स्कोर कार्ड जनरेट करवाने के बाद आपके संकुल में अगर पद खाली होंगे तो वो आपको फोन करके बुला लेंगे। ठीक है, आपको कुछ आवेदन करने की जरूरत नहीं है, आपने अपना स्कोर कार्ड बनवा लिया मतलब आपका आवेदन हो चुका है। आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके स्कोर कार्ड में SS2 IT लिखा होना जरूरी है, तभी आप उसके लिए पात्र होंगे, वरना उसके लिए पात्र नहीं होंगे। फिर आप बोलोगे कि हमें बताया नहीं। ठीक है, SS2 IT लिखा होना जरूरी है तभी आप कंप्यूटर स्ट्रक्चर के लिए पात्र होंगे। आपने जैसे स्कोर कार्ड वेरीफाई करवा लेंगे, एक दिन बाद अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए मतलब आपका आवेदन हो चुका है, स्कोर कार्ड बन चुका है मतलब आपका आवेदन बन चुका है। जैसे ही किसी संकुल के स्कूलों में अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको फोन करके बुला लेंगे। ठीक है, यही सेम प्रोसेस अतिथि में भी है और यही दोनों अतिथि के लिए। ठीक है, कंप्यूटर स्ट्रक्चर वाले भी अतिथि रहेंगे, मैंने संकुल में भी पता किया, मुझे भी यही सेम प्रोसेस बताई गई, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ फॉर्म भरे थे तो उसमें भी सेम प्रोसेस थी, अतिथि के मैंने भी स्कोर कार्ड बनाए थे तो उसमें भी सेम प्रोसेस थी और इसमें भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, मैंने संकुल में पता किया है, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप भी संकुल में जाकर पता कर लीजिए। ठीक है, आप जैसे कि अपना स्कोर कार्ड वेरीफाई करवाने तो जाएंगे तो आप वहां पर एक बार पता कर लीजिए। ठीक है, कि क्या प्रोसेस रहेगी, हमें कंप्यूटर स्ट्रक्चर का आवेदन करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या सिस्टम है उसका हमें एक बार बता दीजिए, तो आपको उससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपसे दी गई जानकारी से स्पष्ट होंगे, मैंने समझाने की कोशिश करी, आशा करता हूँ आप समझ भी चुके होंगे, बहुत मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, अगर पूरे डीप में जाता तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां से हमें मैसेज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।